आइए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत थी, इसलिए थोड़ा आपको इंटरप्शन हुआ होगा और इसके लिए हमें खेद है कि बीच में थोड़ा सी रुकावट आपको हुई होगी। आइए, तो ये हम बता रहे थे आपको कि धन्य है ये भारत देश जहाँ समुल्लसति सुशोभित होती है जनमानस पावनी। जनमानस पावनी, जन माने लोग, व्यक्ति, मानस माने मन और पावन माने पवित्र करने वाले। और पावनी, यहाँ आप देखेंगे ये पावनी शब्द है, जैसे पावन शब्द है उसका पावनी बनाया गया, जैसे स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आप देखते हैं प्रायः उसको प्रत्यय गीस की अटाप जुड़ते हैं, लेकिन प्रत्यय को अगर आप नहीं भी जानते तो सामान्य से बड़ी की मात्रा, बड़े आ की मात्रा आती है तो वो स्त्रीलिंग शब्द हुआ करते हैं प्रायः। तो अब यहाँ आप देखें जनमानस पावनी, ये विशेषण बनाया गया है और विशेषण है तो अगर स्त्रीलिंग शब्द अगर आगे आने वाला है तो स्त्रीलिंग ही विशेषण उसका होगा, तो लोगों के मन को पवित्र करने वाली, पवित्र बनाने वाली। क्या पवित्र बनाने वाली? तो आगे लिखा और विशेषण एक देखिए, भव्य भावोद्भाविनी। तो इसमें कहा है कि भव्य माने होता बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर भावों को भाव उद्भावनी, उद्भावन, उद्भावन माने उत्पत्ति, तो सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। उससे पहले विशेषण आया लोगों के मन को पवित्र करने वाली, और शब्द संदोह प्रशमिनी, शब्द संदोह प्रशमिनी। अब इसमें क्या है, अगर अगर देखेंगे शब्द और संदोह माने होता है उसका भंडार, समूह, तो शब्दों के समूह को यहां पर समूह अगर कहें भंडार कह दीजिए आप, तो और शब्दों के भंडार को, संदोह को प्रसविनी, प्रसव माने होता है जन्म देना, प्रसव, बच्चे का जन्म होता है उसको प्रसव कहते हैं, प्रसव हुआ, तो शब्दों के भंडार को जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, पैदा करने वाली सुर भारती, सुर भारती, सुर भारती माने संस्कृत भाषा। अब सुर भारती ये शब्द स्त्रीलिंग है और यही एक कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है, तो देखेंगे इससे पहले जितने शब्द आए हैं वो सब के सब विशेषण के रूप में आएंगे। तो कौन कौन से, जनमानस पावनी, भव्य भावोद उद्भावनी, शब्द संदोह प्रसविनी, सुर भारती। तो सुर भारती कैसी है, अगर आपको, आप इसमें संस्कृत में लिखा है इसका हिंदी अर्थ करना है तो धन्य है ये भारत देश जहां सुशोभित तो हो रही है, जहां शोभा पा रही है। और क्या शोभा पा रही है, तो सबसे लास्ट में है, क्या शोभा पा रही है, जहां संस्कृत सुशोभित हो रही है। और कैसी कैसी है ये आपको चार, एक दो तीन शब्दों में बताया गया, तीन शब्द इसके विशेषण है, पर इतना ही ध्यान रखना ये तीन शब्द इसके विशेषण है, जनमानस पावनी, भव्य भावोद्भावनी, शब्द संदोह प्रसविनी। वो है क्या, वो है सुर भारती, इसलिए जहां सुशोभित हो रही है, इतनी इतनी बातों को जोड़ देंगे तो अपने आप इसका अर्थ निकल आएगा। अब आइए इसके आगे बढ़ते, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वांगमयेषु अस्याः वांगमयम् सर्वश्रेष्ठम् सुसंपन्नम् च वर्तते। अब आइए देखिए आगे आया है विद्यमानेषु। दोस्तों इसमें आप जब संस्कृत में अर्थ करते हैं तो विभक्तियों को बहुत जरूरी है, तो इसमें वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपको, शायद वॉइस क्लियर आ रही होगी, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं आ रही है तो कृपया जरूर हमें लिखें। और इस समय आवाज ठीक है, इस समय आवाज ठीक आ रही है क्या? तो इसमें विपिन तिवारी, वैष्णवी, आकांक्षा सब जुड़े हुए हैं, तो जरा आप लोगों में से कोई बताए आवाज क्लियर है। हाँ मैं बता रहा हूँ, इसमें जो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें वैष्णवी जुड़ी है, आकांक्षा है और विपिन है, और अभी जो लाइव जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ वॉइस क्लियर है, चलिए थैंक यू विपिन भैया।
और चलिए अब भाई सब ठीक है, तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ और आशा है आपको समझ में आएगा। देखिए विद्यमानेषु निखिलेषु, अब इसमें आपको केवल देखना है कि एक जैसी विभक्तियां कहाँ लगी हुई है। एक जैसी विभक्तियां संस्कृत में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक जैसी विभक्तियां आप एक साथ समूह में जोड़ करके रखिए। विद्यमान यानी कोई वर्तमान में चीजें हमेशा रहने वाली, तो विद्यमान जितनी चीजें दिखाई पड़ते हैं विद्यमान माने वर्तमान में है, तो विद्यमानेषु निखिलेषु और इसमें अपि जुड़ा है अव्यय जुड़ा है अपि, इसको अलग कर दीजिए, फिर वांग्मयेषु, ये तीनों की विभक्ति एक जैसी है। अब विद्यमान निखिलेषु, निखिल माने होता है संपूर्ण, जितनी भी सारी चीजें हैं किसके लिए, तो कहा संपूर्ण जितनी विद्यमान है, तो आगे कोई बात होगी तभी तो उसके लिए ये शब्द आए होंगे, तो वांग्मय कहते हैं साहित्य को, लिटरेचर को, इंग्लिश में उसके लिए शब्द है लिटरेचर और संस्कृत में है साहित्य, हिंदी में साहित्य कहते हैं, संस्कृत में वांग्मय है और हिंदी में साहित्य, तो जो वांग्मय है यानी साहित्य है उन साहित्यों में, अब एक वचन का तो प्रयोग है नहीं बहुवचन है, तो अगर वांग्मय शब्द आया है तो वांग्मय के लिए दो दो शब्द इसके लिए विशेषण के रूप में प्रयोग हुए, तो विशेषण जब भी प्रयोग होगा तो भी वो संज्ञा के अनुसार ही आएगा, दो शब्द हैं, तो आप इसको एक साथ बोल मिला के बोल सकते हैं विद्यमान संपूर्ण साहित्य में। अब साहित्यों में कह सकते हैं, चाहे साहित्य में कहें वो बहुवचन ही रहेगा। अब इतने जितने प्रकार के साहित्य हैं तो कहा अस्याह, अब ये अस्याह क्या है इसको समझना पड़ेगा। देखिए सर्वनाम का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। अगर आप देख रहे होंगे विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिया विशेषण होते हैं और एक संज्ञा विशेषण हुआ, किसी संज्ञा के लिए जो विशेषण प्रयोग किए जाते हैं और कुछ क्रिया के लिए, तो यहां पर जो है अस्याह शब्द आया है, यहां ये सर्वनाम शब्द आया है, उससे पहले विशेषण आए, तो ये जो सर्वनाम आए हैं तो सर्वनाम का प्रयोग जब यदि हुआ है तो आप ये समझ लीजिए सर्वनाम को पढ़ते समय ये दिमाग में रखिए अस्याह किसके लिए आया होगा, तो इसकी विभक्ति जाननी पड़ेगी, विभक्ति जान जाएंगे तो आपको इस तरह लिंग चूंकि पता होना चाहिए, तो यहां पर स्त्रीलिंग शब्द में आया अस्याह, स्त्रीलिंग शब्द है इदम शब्द का और एतत् शब्द का, और इसलिए अगर अस्याह आया है तो देखिए इदम शब्द में अस्याह जब आता है तो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में आता है, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में आता है, पंचमी विभक्ति के एक वचन में आएगा, तो अगर पंचमी षष्ठी में आएगा तो यहाँ आगे चूंकि संबंध कारक नहीं होता लेकिन संबंध आगे संज्ञा के साथ जुड़ा होता है, तो अस्याह वांगमयम, तो आपको सोचना चाहिए कि किसका वांगमय, तो अब आप जान गए हैं, उससे पहले आप पाठ को पढ़े हैं, शुरुआत में जैसे पाठ पढ़ने से पहले इसका जो शीर्षक है टाइटल है इसका पाठ का नाम है वही है संस्कृत भाषायाः, वहीं से आप जोड़े संस्कृत भाषायाः अस्याः, तो संस्कृत भाषायाः वांग्मयम् इसलिए अस्याः कहा गया, और सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, बहुत आसान है बहुत सरल है, अगर आप देखेंगे तो इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है, सुसंपन्न है सुसंपन्न है, इतनी बातें कहनी, अब एक साथ कह दीजिए तो इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है, दो चीजें जोड़ी तो और आपको जोड़ ही लेना पड़ेगा, इसलिए चा लगा हुआ है। आगे आगे लिखा है इयमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति, शब्द कठिन नहीं है, फिर भी आप देखिए इसमें जो शब्द पहला शब्द आया इयमेव, इयमेव का मतलब है इयम धन एव, इयम का मतलब यह होता है, अब देखिए इयम माने भी यह होता है, इदम माने भी यह होता है, और सबसे पहले धन्योयम में भी अयम आया था, यह भी यह, तो छात्रों जो
इसमें शब्द यह के लिए तीन आ रहे हैं, तो तीन अलग अलग लिंगों में प्रयोग होते हैं इसलिए आ रहे हैं। अभी हम संस्कृत भाषा को चूंकि स्त्रीलिंग शब्द बनाए हैं और स्त्रीलिंग के हिसाब से ही, स्त्रीलिंग के कारण से ही हमने इयम शब्द प्रयोग किया, इसमें किया गया इयम एव, एव अव्यय है, इयम सर्वनाम है, और कहा यह ही, यही यही भाषा, यही भाषा, इयम भाषा एव, यह भाषा ही, यही भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रतिता, संस्कृत संस्कृत नामना, संस्कृत नामना धन अपि, दीर्घ संधि हो गई यहाँ पे, संस्कृत नामना अपि, संस्कृत नामना, तो नामन शब्द का, नामन शब्द का बनाएंगे तो नामना बनेगा, तो यहां ये क्या हो गया संस्कृत नामना अपि, इसके साथ ये आप ये मत सोचिए कि यहां पर स्त्रीलिंग हो गया, ये संस्कृत शब्द को यहां पर नपुंसक लिंग में जोड़ करके और संस्कृत नामना अपि कर दिया गया, तो नामना शब्द नपुंसक लिंग और नामन से बन जाता है, तो संस्कृत नाम से भी लोक में संसार में प्रथिता अस्ति, प्रसिद्ध है, प्रथित है, प्रथित माने प्रसिद्ध होता है। और फिर आगे लिखा है अस्माकम, अब आगे है अस्माकम रामायण महाभारतादि ऐतिहासिक ग्रंथाः, शब्द को अगर अलग अलग तोड़ेंगे तो क्या क्या शब्द आएगा, अस्माकम माने हमारा, षष्ठी विभक्ति अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, और अस्माकम माने हमारा, रामायण महाभारत, तो रामायण महाभारत और उसी में आप देखें आद्य ऐतिहासिक, आद्य ये सब ऐतिहासिक ग्रंथ जो इतिहास में लिखे गए, जिनका इतिहास लिखा गया, तो रामायण महाभारत का एक इतिहास है, और इनके जो ऐतिहासिक ग्रंथाः तो एक नहीं है, बहुत सारे, क्योंकि आदि जुड़ गया, आद्य आद्य जुड़ गया, तो आदि से आदि बहुवचन में बनता है, बहुवचन बन गया समास बीच में, ऐतिहासिक शब्द जुड़ गया, तो इसलिए उसका विसर्ग यहाँ पर नहीं आया है, प्रातिपदिक रूप प्रयोग होता है, यानी उसका जो मुख्य रूप होता है, जैसे मुख्य प्रातिपदिक उसको कहते हैं कि जैसे कि शब्द है बालका, लेकिन बालका शब्द का शब्द है बालक, बालक के ही सारे रूप हैं, चाहे बालका हो चाहे बालको हो चाहे बालका हो, जैसे रामा रामो ये सब, लेकिन उसका शब्द मूल शब्द जो होता है उसको प्रातिपदिक कहते हैं संस्कृत में। इस बात को थोड़ा अभी आपको हो सकता समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रातिपदिक क्या कहा जाता है, तो प्रातिपदिक के लिए जो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है और उसमें सूत्र लिखे हैं, तो प्रातिपदिक के लिए एक सूत्र लिखा है, तो लिंग वचन परिमाण मात्र ये सारे जितने भी हो प्रातिपदिक, ये सारे प्रातिपदिक जिनका लिंग होता है वचन होता है वो प्रातिपदिक कहलाते हैं, और मूल जो शब्द होते हैं, अगर आपको ये जानना हो कि प्रातिपदिक क्या है, तो जो ओरिजिन होता है उनका एक शब्द का, वो मूल रूप प्रातिपदिक कहलाता है, और जो उसी के आधार पर सारे रूप चलते भी हैं। तो देखिए संस्कृत नामना लोके प्रथिता, उसके बाद आया है महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, अब ग्रंथाः बहुत सारे, चत्वारो वेदाः, इसका मतलब है पहले भी बहुवचन आया तो आगे भी बहुवचन ये शब्द आने वाला है, बहुवचन, कुछ देखिए कुछ चीजें कॉमन सेंस हुआ, कॉमन सेंस से आप पता कर सकते हैं, सबका अर्थ आपको आता नहीं है, आता है या नहीं आता है, इससे जो कोई ज्यादा अंतर आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आप देखिए इसका कॉमन, आप खुद अंदाजा लगाइए, अनुमान लगाइए कि देखिए इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं, ग्रंथाः, बालक का शब्द तो आता ही होगा, शब्द रूप तो आता ही होगा, तो ग्रंथाः बालक शब्द का जो रूप है वो जो है ग्रंथाः बहुवचन में आता है, और इस तरह से आगे भी आया चत्वारो चत्वारः, अब ये चत्वारः भले चत्वाराह नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बहुवचन में चत्वारा ही होता है और चार शब्द बहुवचन होता ही है, उसके लिए ऐसा तो बनेगा नहीं, पहले चतुर शब्द बन जाए चत्वारः, चत्वारः वेदाः, वेदाः भी बहुवचन है, तो चारों वेद सर्वाः उपनिषदः, सर्वाः, अब यहां पर भी आया सर्वाः
उपनिषद, सारे उपनिषद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, एक शब्द आया है उपनिषदः, यहां पर भी उपनिषद शब्द एक वचन है, उपनिषदः नहीं होगा, उपनिषदः ये बहुवचन शब्द आया है, इसलिए सर्वाः उपनिषदः और अष्टादश पुराणानि। अब जिस लिंग में जो शब्द आते हैं उसी के अनुसार बहुवचन एक वचन इसमें प्रयोग किया गया है। तो सारे उपनिषद 18 पुराण, 18 पुराण कितने, अष्टादश, देखिए ये शब्द है ध्यान रखना है, 18 को अष्टादश कहते हैं, अष्टदश नहीं अष्टादश। पुराणानि अन्यानि च, और अन्यानि और दूसरे महाकाव्य नाट्यादि, महाकाव्य नाट्य आदि, यहाँ आदि शब्द आया लेकिन नपुंसक लिंग में है, तो देखिए पहले आदि ऐतिहासिक ग्रंथ था वहां पर इसमें नपुंसक लिंग का प्रयोग नहीं किया, महाकाव्य नपुंसक लिंग होने के कारण से नाट्याधीन यानी और दूसरे महाकाव्य नाटक आदि अस्याम एव भाषायाम लिखितानि सन्ति। अब इसमें देखिए दो शब्द एक जैसे आए हैं, अस्याम भाषायाम, एव उसमें अव्यय जुड़ गया, अव्ययों को बहुत सूक्ष्म तरीके से आपको देखना है और अच्छी तैयारी के लिए इस बार आपको क्या करना है, ऐसे जितने भी अव्यय आते हैं आपको प्रत्येक पाठ में उनको आपको लिखते रहना है, और जब आपको कहीं ना कहीं उसमें नोट करते रहेंगे तो जब आप हर पाठ के उस अव्यय पद नोट कर लेंगे तो आपको आसानी से सारे अर्थ निकल आएंगे, क्योंकि कठिनाई में अव्यय पद ही डालते हैं, अव्यय पद प्रायः याद नहीं रहते हैं, इसलिए अव्ययों को अच्छे तरह से याद करिए, अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से याद करिए। यहाँ आया है अस्याम के बाद एव, एव माने ही होता है, और फिर शब्द संज्ञा का आ जाता है, तो का भाषायाम, इस भाषा में ही लिखितानि सन्ति, अब यहाँ पे क्या है, लिखितानि सन्ति लिखे गए हैं, तो लिखितानि सन्ति आप ये कैसे लिखा है लिखे हैं ऐसा नहीं कह सकते, लिखे गए हैं, क्यों, क्योंकि ता प्रत्यय जब भी लगेगा आप देख रहे हैं लिखित शब्द आया, लिखित तो लिखित माने होता है लिखा गया, क्यों लिखा गया, तो पैसिव वाइज प्रयोग हो जाता है, आप अंग्रेजी में जैसे प्रयोग करते थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देते हैं इंग्लिश की, अंग्रेजी की, वैसे ही इसके साथ अगर संस्कृत में कहीं ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो कुछ एक धातुओं को छोड़ करके सब में आप कर्मवाच का ही बोध करेंगे, आप जैसे पैसिव वाइज बोलते हैं तो पैसिव वाइज बोलने में यानी आप लिखा गया, आप किसी ने लिखा होगा ना, इसलिए लिखा गया है, लिखे गए हैं, किसी के द्वारा लिखे गए हैं, अब इतने सारे काव्य नाटक आदि लिखे गए, तो उसके बाद आगे चलते हैं, इयमेव भाषा, अगला लिखा है अगली पंक्ति है इयमेव भाषा, फिर वही से याद की बार बार ये शब्द इयमेव, यही यही भाषा सर्वासाम, अब इसमें तोड़ते जाए शब्द सर्वासाम, ये एक शब्द हो गया षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, फिर आर्य भाषाणाम, ये भी षष्ठी विभक्ति है, जननी इति, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, तो यही भाषा सब, सर्व माने सभी, और सर्व सर्वासाम माने और भाषाणाम के, तो क्या सभी भाषाओं की, काकी के लगा लीजिए आप, षष्ठी विभक्ति में काकी के जुड़ जाता है, इसलिए सभी भाषाओं की जननी इति मन्यते, अब वाक्य पूरा हो गया तो आप इति जोड़ दीजिए, जैसे आप कह सकते हैं स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इति लोकमान्य तिलक अवदत, ऐसा आप बोल सकते हैं, मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हैं? तो ये किसने कहा, तो कहा इति सुभाष चंद्र बोस अकथयत, ऐसा जो जो जिन्होंने कहा इति यानी वो वाक्य संपूर्णता को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद इति आप लगा सकते हैं, यहाँ पर जननी तो अब पूरा वाक्य हो गया, ये यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की, आर्य माने जितने भी श्रेष्ठ भाषाएं हैं उन श्रेष्ठ भाषाओं की जननी है ऐसा माना जाता है, इति मन्यते माना जाता है,
अब ये वाक्य कैसा हो गया, मन्यते मन मन्यते मन्यते मन्यन्ते। तो जब आप कर्मवाच्य वाक्य बनाएंगे तो कर्मवाच्य में जो है आपको ये रूप देखने को मिलेगा, मन्यते मन्यते मन्यन्ते। और इसलिए इसलिए आपको अभी बहुत अच्छा है, इसमें जो है कोई अगर आपको इससे संबंधित कोई कठिनाई आती है तो जरूर आप गुड इवनिंग वैष्णवी, बहुत अच्छा, और विपिन भैया भी जुड़े हैं, और आप आपको कहीं कोई कठिनाई यदि आती है आप हमें जरूर आप इस पर लिखिए और हम आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे तुरंत। और आइए, तो अगर ये आपको इस वीडियो में कहीं कोई कठिनाई आती हो तो जरूर हमें लिखें। फिलहाल आप देखिए मैं अर्थ आपको बता रहा हूँ और बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, कहीं कठिनाई नहीं आने वाली है। आप थोड़ा सा आप अपना कॉपी पेन लेकर के बैठा करें और जब भी लाइव सेशन हो तो लिखें, और वैसे भी वीडियो देखें तो आप उसको नोट कर ले, दो बार तीन बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसलिए इसलिए यहाँ पे जो कठिनाई होगी तो हम आपको बताएंगे। तो एमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननीति मन्यते। अब कहा ये मानी जाती है तो कहा इति मन्यते, ऐसा माना जाता है, तो आगे लिखा माना जाता है। और जब भी देखिए आपको कर्मवाच्य प्रयोग होगा, आप अंग्रेजी में पढ़ें किसी भी भाषा में पढ़ें, अगर पैसिव वाइज प्रयोग होती है होता है तो जो उसका कर्ता होता है उसको हम क्या कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं, अंग्रेजी में बाईपास करते हैं और संस्कृत में करण कारक कर देते हैं। तो भाषा तत्व विद्वद्धि, इसमें शब्द आया है भाषा तत्व विद्वद्धि। इसमें आपको पीपीटी में थोड़ा सा छपने में थोड़ा सा, लेकिन इसका शब्द ठीक कर लीजिएगा, विद्वद्धि विद्धि लिखा है, भाषा तत्व विद्वद्धि, भाषा तत्व के विद्वानों के द्वारा, बहुवचन है, तृतीया विभक्ति प्रयोग। तो भाषा तत्व के विद्वानों के द्वारा क्या माना जाता है, तो कहा ये यही ऊपर वाली सबसे पहली लाइन, ये माना जाता है कि ये सभी भाषाओं की जननी है। आगे लिखा है संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, बहुविध बहुत बहुत प्रकार का, बहुत यानी बहुत से टाइप्स का, बहुत काइंड्स, उसके इतने प्रकार हैं। संस्कृत में कितना ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, यह जो है बहुविध ज्ञान, तो बहुत ज्यादा ज्ञान है। यानी अगर हम कह रहे हैं जितने ज्ञान का ठिकाना अगर कहीं किसी के पास है, आश्रय है एक प्रकार से, तो वो सब संस्कृत में। तो बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकत्व, यानी ये मत सोचिए कि केवल एक ही देश में है या एक ही क्षेत्र में है या एक ही जगह है, जैसे चिकित्सा क्षेत्र में और विज्ञान क्षेत्र में और ज्योतिष क्षेत्र में और साहित्य क्षेत्र में, जितने भी प्रकार के क्षेत्र हैं सब क्षेत्रों में इसकी व्यापकता है। न कस्यापि दृष्टे, अब इसमें देखिएगा अगला शब्द है, यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है, इसलिए इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप इसको जरूर नोट करिएगा, जो शब्द आया जहां से आप गलती कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी गलती कहां हो सकती है बोर्ड की परीक्षा में, उसका शब्द का अर्थ जानने में और उसका अर्थ लिखने में, भावार्थ लिखने में। तो अगर आप अनुवाद कर रहे होंगे तो कस्यापि दृष्टे रविषया, अब यहां गलती होगी, दृष्टे रविषया ध्यान दीजिएगा, तो इसमें दो शब्द है, दृष्टे अविषया, दृष्टि शब्द है षष्ठी विभक्ति बन गया और उसके बाद अविषया जुड़ा है, रविषय शब्द तो है नहीं, रा जो है आप वो विसर्ग के सस जुसो रू के कारण से कर्व जो रुत्व विसर्ग आता, विसर्ग का रा बनता है और विसर्ग के कारण से ही रा यहाँ पर आया है, तो विसर्ग अगर लगा देंगे तो आ इसमें से और निकल आएगा, तो अविषय विषय नहीं, यानी इस आप विषय नहीं है तो दृष्टि का विषय नहीं, मतलब क्या हुआ इसका, किसी के आंखों से परे नहीं है, आंखों से दूर नहीं है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको न देख रहा हो, इसको जो न समझ रहा हो, इसलिए कहा जो बहुविध ज्ञान आश्रय वाली
और व्यापकत्व वाली ये संस्कृत भाषा का गौरव। संस्कृत का गौरव बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय और उसकी व्यापकता, ये किसी के आंखों से परे नहीं, आंखों से हटा नहीं है। दृष्टि अविषया यानी दृष्टि से परे नहीं है, इसको कह सकते हैं आंखों से ओझल नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम एव दृष्टि पथम आनीय, संस्कृत के गौरव को ही, संस्कृत के गरिमा को ही, उसके स्वाभिमान को ही दृष्टिपथम, दृष्टिपथ, दृष्टिपथ आंखों से जो ऐसा मार्ग दिखाई देने वाला मार्ग, दृष्टिपथम आनी है, दृष्टिपथ में ला करके, दृष्टिपथ हो करके, दृष्टिगोचर करके, आंखों से देख करके ही, आंखों से देख करके ही, गौरव को अच्छे से समझ करके, देख करके ही, सम्यक उत्तम आचार्य प्रवरेण दंडिता। अब यहाँ पर भी ता प्रत्यय प्रयोग हुआ है तो पैसी वैस अपने आप जो जिसने कहा होगा वो तृतीय विभक्ति में हो जाएगा, बस इतना आप समझ लीजिए। सम्यक माने ठीक, सम्यक अव्यय है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ढंग से कहा है इसने आचार्य प्रवर दंडी ने। आचार्य प्रवर, प्रवर माने बहुत श्रेष्ठ, प्रवर उसके लिए सोते हैं, अवर और प्रवर जोड़ते ना, तो प्रवर माने बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो आचार्य प्रवर दंडिना, प्रा लग जाने से और श्रेष्ठता आ जाती है, आचार्य पुरुष प्रा जो प्राचार्य का और उससे भी बड़ा हो गया, तो प्रवर आचार्य, ऐसे ही प्राचार्य प्रवर, आचार्य प्रवर दंडी दंडिना, तृतीय एक वचन है दंडिना शब्द है, दंडिन दंडी दंडिनो दंडिना, पहले एक वचन में चलेगा दंडिना, तृतीय में आएगा तो दंडी के द्वारा, दंडी कवि हुए संस्कृत में और बहुत अच्छे नाटक, उन्होंने नाटक और काव्य लिखे हैं, और इसलिए इसलिए दंडी, दंडी के विषय में कहा जाता है कबीर दंडी, कबीर दंडी, कबीर दंडी, संशया कहा कि कवि के समान कोई, जो दंडी के समान कोई कवि नहीं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और दंडी का जो पद लालित्य है वो बहुत प्रसिद्ध है, दंडी का जो पद लालित्य है बहुत प्रसिद्ध है, दंडिना पद लाल कहा जाता है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम और मागे संति त्रयो गुणा, ऐसा बोला जाता है इनके बारे में। तो दंडी का पद लालित्य, तो पद लालित्य के बहुत श्रेष्ठ कवि हैं, उन्होंने एक बात कही है, एक सूक्ति कही, एक लाइन बोली है, और इस पंक्ति को ध्यान रखिए, ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पूछी जाती है। तो संस्कृत नाम दैवी वागन, दैवी वाक, यहाँ पर वाग, अब यहाँ पर अलग अलग शब्द कर लेंगे तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ऐसे अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग शब्दों को तोड़ लेंगे तो जरूर आपको समझ में। संस्कृतम तो संस्कृत, ना ना दैवी, अब ये दैवी शब्द क्या, दैवी माने भगवान, देवता, दैवी जैसे कहते बहुत दैवी, और ईश्वरीय आगे है वाग, तो वाग जस्त संधि के कारण से आगे चुकी इसमें स्वर जुड़ा है आ, तो वाक धन अनु आख्याता, दो तीन संधियां इसमें हुई हैं, कहीं पर यण हो गया है, उसके बाद उससे पहले जस्त हो गया है, तो दैवी वाक, संस्कृत दैवी वाक नाम, संस्कृत किसका नाम है, तो संस्कृत देव वाणी का नाम है। आख्याता महर्षि भी, महर्षियों ने इसको कहा, ऐसा बोला है, ऐसा क्या बोला है, तो संस्कृत नाम दैवी वाक, इसलिए देवताओं की वाणी कहा है किसको, संस्कृत को, तो इसलिए ध्यान, दैवी वाक, वाक अनु आख्याता, अनु आख्याता, दैवी वाक अनु आख्याता महर्षि भी, महर्षियों ने इसको देव संस्कृत को देव दैवी वाणी कहा है, ईश्वरी वाणी कहा है। इस लाइन का अर्थ आपको पहले सूक्तियां पूछी जाती थी, अब सूक्तियां नहीं आती हैं, और कोई ना कोई पैराग्राफ होता है, अनुच्छेद होता है, उसका अर्थ ऐसे ही आपको अनुवाद करना होता है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। आइए उसके आगे पढ़ते हैं, जल्दी थोड़ा करते हैं। फिर लिखा है संस्कृतस्थ साहित्यम सरसम, बड़े सरल सरल शब्द है, बहुत आराम से हलवा एकदम आराम से समझ में आ रहे, बहुत, अब इसमें कोई कठिन शब्द नहीं, हिंदी है समझ लीजिए, एक तरह से
हिंदी और संस्कृत में बहुत कुछ अंतर नहीं है, यहाँ पर तो बिल्कुल आसानी से दिखा, इसमें कोई कठिन शब्द है नहीं। संस्कृत से संस्कृत का साहित्यम, साहित्य, अब इससे सरल कहाँ लिखा जाएगा, इससे ज्यादा सरल कैसे हो सकता है। संस्कृत का साहित्य सरस है, सरस है, सरस है, रसदार है। व्याकरणम च, और व्याकरण कैसा है, सुनिश्चितम, निश्चित में भी सु जोड़ दिया, तो बहुत निश्चित है एकदम, ये नहीं कि कुछ का कुछ हो गया ना, बहुत अपवाद ऐसे नहीं है। कात्यायन ने बहुत सारे वार्तिक जरूर जोड़े हैं, जो बातें पहले नहीं कही गई उनको जोड़ दिया है, किंतु अपवाद बहुत कम है। इसलिए साहित्य कैसा होना चाहिए, बड़ा सरस होना चाहिए, और सरस होगा तभी लोग उसको पसंद करेंगे, अच्छा लगेगा। और व्याकरण कैसा होना चाहिए, तो व्याकरण में सरसता जरूरी नहीं है, व्याकरण में निश्चितता जरूरी है, उसके नियम होने चाहिए पक्के। तो संस्कृत में नियम पाड़े पक्के होते हैं, इसलिए व्याकरण व्याकरण सुनिश्चित है। और आगे लिखा है तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, उसका जो गद्य और पद्य है बड़ा लालित्यपूर्ण है, ललित बड़ा माने बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगने वाला, ललचा जा मन है। अब आपसे गद्य और पद्य में बड़ा ललचाहट, अगर लालित्य का वैसे तो ये शब्द नहीं होता है ये कि इसका अर्थ करें ललचाने वाला, लेकिन लालित्य माने सुंदर, बड़ा सुंदर है। अब उसके लिए आप सुंदर का मतलब बहुत सारे सारे भाव में अलग अलग अर्थ आप ले सकते हैं, भाव अलग कर सकते हैं, पता चले कोई किसी व्यक्ति की तो दूसरे ढंग से आप उसका ललित हो जाएगा। लेकिन यहाँ गद्य और पद्य, गद्य पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, पद्य पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, गाने में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। और फिर लिखा भाव बोध सामर्थ्यम, उसके अंदर जो भाव प्रकट होते हैं, भाव जगते हैं, तो भाव को जगाने का सामर्थ्य, भाव बोध, भावों को जगाने का सामर्थ्य है, ताकत है उसके अंदर। अद्वितीय श्रुति माधुर्यम च वर्तते, और अद्वितीय दूसरे में नहीं है, दूसरी किसी भाषा में श्रुति माध, सुनने में मधुरता, श्रुति माधुर्य मधुरता है सुनने में, जब आप सुनते हैं तो बहुत मधुर। संस्कृत के श्लोक सुन लीजिए, छंद सुन लीजिए, और संस्कृत के ऐसे वेदों के मंत्र सुन लीजिए, तो मन प्रसन्न हो जाता, अद्वितीय लगता है। कभी कोई भी कार्यक्रम होता है तो जब मंत्र गूंजते हैं तो लगता हाँ कितना अच्छा लग रहा है। तो इसके बारे में आगे लिखते हैं किम बहुना, अधिक क्या कहें, ज्यादा क्या कहें, इसके बारे में बहुत क्या बताएं, किम बहुना ऐसा प्रयोग करते हैं, किम बहुना ज्यादा क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण अर्थम, अर्थम अगर आप किसी में लगा दोगे तो चतुर्थी विभक्ति का काम हो जाता है, अर्थम लगा दीजिए। पठन शब्द है पठनार्थम, निर्माण निर्माणार्थम, पठन पठनार्थम। लुट प्रत्यय के बाद अर्थम जोड़ दीजिए, लुट लुट प्रत्यय जुड़ता है उसका अन हो जाता है, और अन लगाने के बाद पठन पठन, जैसे पठन हो गया लेखन है तो लेखनार्थम, पठन है तो पठनार्थम, ऐसे निर्माण है तो निर्माणार्थम। ऐसे चरित्र निर्माण के लिए यादृशीम सत्र, जैसी यादृशीम स्त्रीलिंग में आए, जैसी सत प्रेरणाम, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, यादृशीम सत प्रेरणाम संस्कृत वांगमयम ददाति, यहाँ जैसी, यहाँ कहा जैसी सुंदर प्रेरणा, सत प्रेरणा, सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशी किंचित अन्यत, किंचित अन्यत किंचित कोई दूसरी नहीं, न वैसी कोई अन्य नहीं, किंचित अन्य नहीं कोई दूसरी भाषा नहीं देती। मूलभूतानाम, आगे लिखे मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना, मूलभूत मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना, जैसी विवेचना, जैसा अर्थ संस्कृत साहित्य में है, जैसा साहित्य संस्कृत साहित्य में बताया गया है वैसा, न अन्यत्र तादृशी, वैसा कहीं दूसरी जगह नहीं, वैसा कहीं नहीं है जैसी संस्कृत में है विवेचना की गई है। अब आगे लिखे दया दान, और आगे शब्द है शौचम, सुचि सुचिता पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया, दो इसमें अनधन असूय, अन पहले उपसर्ग जुड़ा, असूय शब्द है, असूय माने निंदा करना, अन असूय माने निंदा नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, क्षमा करना, अन्य
चा अनेके गुणा और दूसरे अनेक गुण अस्याह साहित्यस्य अनुशीलने संजायन्ते। इस साहित्य के अनुशीलन से, अनुशीलन माने पढ़ना, इसके पढ़ने से संजायन्ते, सम्यक जायन्ते संजायन्ते, यानी खूब अच्छे से उत्पन्न हो जाते हैं। जायन्ते जायते जायन जायते जायन्ते, आत्मनेपद में चलेगा रूप, तो उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, प्रकट हो जाया करते हैं। क्या क्या ये सारे गुण, दया दान पवित्रता उदारता, किसी की निंदा नहीं करना, क्षमा और दूसरे गुण, अनेक और दूसरे गुण इसके साहित्य के पढ़ने से उत्पन्न करते हैं। यानी संस्कृत यदि पढ़ते हैं तो ये सारे गुण, जो लोग इनके लिए बहुत प्रकार की कोशिश करते हैं कि भाई ये गुण आए, तो भैया आप ये जान लीजिए, अगर आप लोग ये सुन रहे हो तो अगर संस्कृत पढ़ते हो तो ये सारे गुण अपने आप आने वाले हैं, ये गुण आ ही जाते हैं संस्कृत में। तो आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा जो संस्कृत पढ़ा हुआ हो अच्छे से और इनमें से ये कुछ गुण उसके अंदर ना हो, ये होते हैं अन्य। अब ये हम नहीं कह सकते दूसरों में नहीं होते, लेकिन ये जो संस्कृत वास्तव में पढ़े, खाली एक ऐसे उसके तौर पर नहीं, दिखावे के लिए नहीं, डिग्री के लिए नहीं, तो इसको वास्तव में जो पढ़ा है तो ये जो गुण उनके अंदर जरूर आए। और इसके आगे तो दोस्तों आज मैंने आपको इतना जो है, जो तीन पैराग्राफ, लगभग दो पैराग्राफ है, ये दो पैराग्राफ्स आप आज मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इसमें जो शेष रह गया है उसको आगे के वीडियो में हम जरूर एक दिन लेकर के आएंगे, और इसके विषय में जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं या जो भी इसमें कठिनाइयां आती हैं तो आप हमें जरूर लिखें। और हमारा जो चैनल है संस्कृत गंगा, जो अक्षर गंगा, उस अक्षर गंगा को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, और इससे संबंधित जो भी कमेंट्स हैं आप हमें जरूर लिखें और लाइक करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाभ उनको मिल पाए। आज तक आज बस यही तक, और आगे फिर हम पुनः नया पाठ और नए दिन लेकर के आएंगे। तब तक लिए